हेलो दर्शकों, स्वागत है आपका फिर से एक नई अपडेट में। दर्शकों, इस समय मैं पहुंच चुका हूं यहां पर चहाड़वाला से जो सरदाई को जो रोड जाता है, यहां पर आज मैं आपको सरकार का एक कारनामा दिखाना चाहता हूं, एक कारनामा आपको बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं। दर्शकों, यह जो है रोड जो है मैं लगभग जो है 5-6 महीने से, मतलब कि बरसात को कितने महीने हो चुके हैं और बरसात से जो है ना ये रोड बिल्कुल टूटा हुआ पड़ा है। आप देख सकते हैं इस पुलिया की जो क्या कुछ इसके हालात है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल सरकार को किसी प्रकार की कोई भी जो है किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। कोई मरे, कोई जिए, कोई व्यक्ति कैसे चले, क्या यहाँ पर सरकार का कोई व्यक्ति यहाँ पर पहुँचा नहीं होगा, क्या कोई यहाँ पर आला अधिकारी यहाँ से गुजरा नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है ना किसान साथियों ने यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये देखिए यहाँ पर जो है ये यहाँ पर ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, लेकिन ये जो है 6 महीने से बिल्कुल यहाँ पर ऐसे कैसे ही जो है ना बुरी हालत में, खस्ता हालत में पड़ा है। लोग साइड से गुजर रहे हैं, ये भी रोड टूट चुका है साइड से। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पुलिया बिल्कुल टूटी पड़ी है। यहाँ शासन और प्रशासन बिल्कुल सुस्त यहाँ पर दिखाई दे पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये, आप देख सकते हैं कि सामने से मैं कार को दिखाना चाहता हूँ, साइड में से निकल रही है और ये बिल्कुल टूटा हुआ रोड पड़ा हुआ है। रात के समय में कितना भारी नुकसान किसी को उठाना पड़ सकता है, कोई इमरजेंसी में यहाँ से गुजर रहा हो तो आप देख सकते हैं कि कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन शासन प्रशासन बिल्कुल यहाँ पर सोया हुआ पड़ा है। मुझे लगता है कि यहाँ पर ये PWD का रोड है, लेकिन यहाँ पर आला अधिकारी, यहाँ पर संबंधित विभाग यहाँ पर बिल्कुल सोया हुआ, सुस्त पड़ा हुआ प्रशासन आप देख सकते हैं। यहाँ पर मरने के लिए लोगों के लिए छोड़ रखा है यहाँ पर। इसमें यहाँ पर अंदर सरिये दिख रहे हैं और अंदर नीचे पानी है और लगभग नहीं ज़्यादा जो है 5-7 फुट इसमें जो है गहरा है यहाँ से। तो यहाँ पर मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूंगा, जो भी जो है चहाड़वाला से जो सरदारी रोड है, इसके बीच में जो भी व्यक्ति जो है यहां पर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा। हल्का सडोरा में यह जगह पड़ती है और मैं सभी हल्का सडोरा वासियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें ताकि जो है आला अधिकारियों तक जो है यह वीडियो पहुंच सके और इस पुलिया के ऊपर जो है पक्का काम लगकर जो है लोगों को जो है इस समस्या से निजात दिलाई जा सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग 7X हरियाणा, यमुनानगर, सरदारी रोड,